हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम सी शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो ये है कि सपोज आप घर ले रहे हैं वो भी लोन पे तो आपको लोन कितने का लेना चाहिए मतलब कि क्या आपको पूरा का पूरा वैल्यू जो बैंक से अलाउड रहता है लोन लेना यूजली एट्टी ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू लोन में मिल जाती है तो uh, क्या आपको 80 परसेंट पूरा लोन लेना चाहिए या आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है आपको उन्हें बेच देना चाहिए और यू नो उससे भी प्रॉपर्टी के पैसे चुकाने चाहिए एंड बाद में नेट नेट वैल्यू का लोन लेना चाहिए तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे वो भी विथ वन एग्जाम्पल एंड ट्रस्ट मी गाइज ये जो एग्जाम्पल है इट इज़ गोइंग टू बी आई ओपनर फॉर मोस्ट ऑफ यू आई मीन यू विल बी शॉक्ड टू सी द रिजल्ट सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको इस वीडियो की कंटेंट अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे इन्वेस्टमेंट्स really तो so भी भी तो है है? जो होते हैं ना एक पेपर पर जॉट डाउन कर लेंगे कि चलो मेरा म्यूचुअल फंड में इतना मेरा एफडी में इतना सेविंग बैंक में इतना मेरा शेयर में इतना मेरा गोल्ड में इतना एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी जिस भी टाइप की उनकी इन्वेस्टमेंट होगी और वो कैलकुलेट लेंगे क्या हाँ चलो इतनी जगह से मुझे इतना पैसा आ जाएगा तो मुझे बैंक से इतना लोन कम लेना पड़ेगा बिकॉज मैं बेच के बिल्डर को चुका सकता हूँ मोस्ट ऑफ द लोग ट्रस्ट मी यही करते हैं लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लॉन्ग रन में ये ऑप्शन जो आप चूज कर रहे हैं क्या वो सही है भी या नहीं और वो भी एक एग्जाम्पल के साथ ठीक तो है तो चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ तो गाइज इस एग्जाम्पल में मैंने प्रिज्यूम किया कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो वन करोड़ की है और आपका डाउन पेमेंट जो है वो ट्वेंटी लाख रुपीज का है तो बैंक कभी भी पूरा लोन हंड्रेड परसेंट लोन नहीं देती आपकी प्रॉपर्टी पे वो यूजुअली एटी परसेंट देती है और ट्वेंटी परसेंट तो आपको ही जुगाड़ करना पड़ेगा तो वो डाउन पेमेंट है ये ट्वेंटी लाख रुपीज का जो डायरेक्टली आप बिल्डर को देंगे ठीक है अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो एट्टी लाख है ये हमें पूरा लोन ले लेना चाहिए या फिर आ, यू नो इसके अंदर से भी हमें कुछ अपनी जुगाड़ करके यू नो इस वैल्यू को कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ओके okay. तो इसमें मैंने एक और प्रिजम्पन्स करी है कि मेरे पास कुछ सेविंग्स है जिसमें से फिफ्टीन लाख रुपीज मेरे पास म्यूचुअल फंड में है टेन लाख रुपीज मेरे पास गोल्ड में है टेन लाख रुपीज मेरे पास कैश एफ बैंक बैलेंस है तो टोटल मेरे पास थर्टी लाख रुपीज की सेविंग

तो इस 80 लाख के लिए क्या मैं ये म्यूचुअल फंड बेचूं या नहीं बेचूं ये हम दो ऑप्शन के थ्रू देखेंगे एक में हम इस म्यूचुअल फंड्स को बेच देंगे तो देखेंगे क्या आउटकम आता है और एक में ये देखेंगे कि इसको नहीं बेचा है और पूरे 80 लाख का लोन ले लिया है तो क्या आउटकम आता है ओके okay. तो चलिए चलते हैं ऑप्शन वन की तरफ जहां पर मैं मैक्सिमम लोन ले रही हूँ मतलब मैंने एट्टी लाख का लोन ले लिया और मैं ये फिफ्टीन लाख के म्यूचुअल फंड नहीं बेचने वाली ओके okay. तो मैंने देखा कि मैंने प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो मेरी एटी लाख रुपीज की हो गई क्योंकि मैं इतने का लोन अप्लाई करूंगी प्रिज्यूम करते हैं जो टेन है वो ट्वेंटी ईयर का है आप इस टेम्पलेट के अंदर काफी सारी वैल्यूज आपके लिए ऑब्वियसली डिफरेंट होगी गाइज तो आप अपने हिसाब से भी एक बार कैलकुलेट करके जरूर देख लें कि यू नो आपके लिए क्या बेनिफिशियल है बट मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्चुअली आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप कम वैल्यू की लोन लेंगे तो वो आपको फायदे में ही रखेगा ओके तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि मेरी प्रिंसिपल 80 लाख की थी टेन जो था 20 ईयर इंटरेस्ट रेट जो है वो 8 परसेंट की है सो आई नो कि अभी इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम हो रखी है लेकिन वो एक फ्लोटिंग रेट होती है तो कभी कुछ कभी कुछ होती है मैंने प्रिज्यूम किया अभी एट परसेंट पे है ओके okay? तो अगर ये सारे फैक्टर्स रहेंगे तो मेरी जो मंथली एम बनती है वो सिक्सटी की बनती है अब जो मेरा टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बनता है फॉर ट्वेंटी ईयर्स ऑन दिस लोन वैल्यू दैट इज एटी पॉइंट ओके तो ओवर द पीरियड ऑफ ट्वेंटी ईयर्स मैं इतना इंटरेस्ट चुकाने वाली हूँ तो मेरे को टोटल प्रॉपर्टी पड़ती है वन पॉइंट सिक्स करोड़ की जिसके अंदर मेरा एट्टी लाख ,00 तो ये प्रिंसिपल है और एट्टी लाख ,00 मेरा ये इंटरेस्ट अमाउंट है ठीक है अब सब मोस्ट ऑफ द लोग को तो ये पता होगा कि है ना अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी टू लाख ,00 का डिडक्शन मिल जाता है और 80 सी के अंदर भी डेढ़ लाख का प्रिंसिपल वैल्यू का डिडक्शन मिलता है राइट तो देखते हैं कि अगर वो बेनिफिट यूज़ करते तो हमें कितने का फायदा पड़ता है ठीक है तो अब मेरी टैक्स ब्रैकेट मैंने प्रिज्यूम करी कि थर्टी परसेंट है मेरी प्रिंसिपल अमाउंट एट्टी लाख रुपीस थी अब मेरे को टैक्स सेविंग कितनी होती है अगर मैं एट्टी लाख का लोन लेती हूँ अंडर सेक्शन एट्टी सी अभी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला है इंटरेस्ट का वो अलग से किया है एट्टी सी का देखते हैं तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड आपको डिडक्शन मिलेगा एवरी ईयर अप टू ट्वेंटी ईयर्स तो ये वन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी कर दिया और थर्टी परसेंट का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है आई यूज के ऊपर तो फिर मैंने वो वाली रेट ले लिया है तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि नाइन लाख रुपीज का आपको बेनिफिट पड़ता है अब वही आप इंटरेस्ट पे देखिए आपको कितना फायदा पड़ता है तो टू लाख रुपीज आपको एवरी ईयर मिलते हैं फॉर ट्वेंटी ईयर मिलेगा थर्टी परसेंट का जो टैक्स रेट है वो ले लो तो टैक्स बेनिफिट पता चल जाएगा तो वो ट्वेल्व लाख रुपीज रहता है मुझे पता है बट ठीक है तो ट्वेल्व लैक्स आती है ओके नौ ट्वेल्व प्लस नाइन तो ये बेनिफिट प्लस ये बेनिफिट मिल जाता है मुझे ट्वेंटी वन का टोटल टैक्स सेविंग होती है मेरी अगर मैं एटी लैक्स का लोन लेती हूँ तो ठीक है ना अब जैसे मैंने बोला था कि ऑप्शन वन में हम प्रूम कर रहे हैं कि हम हमारे म्यूचुअल फंड लिक्विडेट नहीं करते हैं तो देखते हैं कि ट्वेंटी इयर्स बाद उनकी क्या स्थिति रहती है ठीक है तो अमाउंट इन्वेस्टेड जो डे वन पे मैंने क्या था पंद्रह लाख ,00 था मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट राइट यहाँ पे मैंने प्रिज्यूम कर रखा right? ,00 है राइट कि मेरा पंद्रह लाख का ऑलरेडी म्यूचुअल फंड है तो मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि ऑन डे वन उसका वैल्यू जो था वो पंद्रह लाख ,00 था अब उसके ऊपर मैं रिटर्न प्रिज्यूम कर रही हूँ ट्वेल्व परसेंट के तो गाइज मैंने ट्वेल्व परसेंट एक बहुत ही कंजर्वेटिव रेट लिया है मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो और ढंग के म्यूचुअल फंड हैं आपके जो यू you नो know, एक आइडियल uh, रिटर्न दे रहे हैं तो ट्वेल्व बहुत नॉमिनल है मतलब देर आर लाइक ऑल्सो अफकोर्स डिपेंडिंग ऑन द वेरियस टाइप ऑफ रिस्क दैटेक वो फैक्टर भी कंसिडर करना चाहिए बट एक ट्वेल्व परसेंट का आइडियल रिटर्न मैंने कैलकुलेट किया अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिटर्न कोई बहुत ज्यादा एक्सपोनशियल नहीं है मतलब एक यूजल रिटर्न है ओके okay. अब टेन ईयर जो था वो ट्वेंटी इयर्स का है तो अब मेरी जो टोटल कॉर्पस बनती है मतलब मेरा जो टोटल वैल्यू अक्यूमलेट होता है आफ्टर ट्वेंटी इयर्स ये पंद्रह लाख रुपए बढ़ के वन पॉइंट फोर करोड़ हो जाते हैं गाइज अगर यू you नो know, मैं इनको इन्वेस्टेड रखती हूँ फॉर अ पीरियड ऑफ ट्वेंटी ईयर्स तो क्या आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट कितनी ज़्यादा वूफिंग है मतलब कितनी बड़ी अमाउंट हो जाती है सो so, ये जो है ये कमाल एक्चुअली में कंपाउंडिंग का जो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लूंगी कि कैसे कंपाउंडिंग वर्क करता है और कैसे वो मेराकल्स कर सकता है आपकी लाइफ में गाइस तो अब हम देखते हैं नेट नेट पोजीशन ठीक है ट्वेंटी इयर्स बाद आपके पास क्या बचा क्या दिया क्या लिया ओके okay? तो मैंने देखा कि मेरा ये कॉर्पस क्रिएट हो गया वन करोड़ का म्यूचुअल फंड की वजह से मैंने वन करोड़ जो है वो बैंक को दे दिया है तो मैंने माइनस करना है मुझे ये अमाउंट और मेरे जो टैक्स सेविंग्स हुए हैं वो 21 लाख के हुए हैं ठीक है ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स जो ये रहे ओके okay? तो ये रहती है मेरी नेट नेट पोजीशन जहाँ पे मुझे टोटल 5 लाख का गेन है आफ्टर 20 इयर्स और मेरे पास एक प्रॉपर्टी खड़ी हो गई अपनी खुद की अब हम ये सिचुएशन देखते हैं कि सपोज कीजिए कि मैंने ये म्यूचुअल फंड बेच दिए होते तो मेरी क्या पोजिशन होती ठीक है तो ये रहा मेरा ऑप्शन टू अब ऑप्शन टू में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि टोटल पेमेंट जो मैं खुद कर दूंगी तो डाउन पेमेंट तो जो थी वो ट्वेंटी लाख ,00 की थी राइट लेकिन मैंने सब कुछ बेच दिया तो मैं थर्टी फाइव लाख की खुद पेमेंट कर दूंगी और मैं जो लोन लूंगी वो वन करोड़ माइनस थर्टी फाइव और सिक्सटी फाइव लाख का लोन लूंगी तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे सिक्सटी फाइव लैख है मेरा टेन ईर ट्वेंटी ईयर ही है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम एट परसेंट ही है मंथली ई मेरी इतनी बनती है अब टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो मेरा होता है बिकॉज मेरा लोन कम वैल्यू का हो गया तो मेरा ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी जो है वो कम हो जाएगा राइट तो टोटल इंटरेस्ट जो मैं बीस ईयर के पीरियड में पे करूंगी वो सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर लाख ही होता है तो टोटल पेमेंट जो मुझे बैंक को करनी है ट्वेंटी ईयर्स के पीरियड में वो है वन पॉइंट थ्री करोड़ तो अगर आप यहाँ यहाँ पे कंपेयर करें जो हम यूजुअली करते हैं पता है हम हमारे मन में यही सोच लेते हैं कि अगर मैं पूरे वैल्यू का लोन ले लूंगी तो मुझे बैंक को इतना देना पड़ेगा वही मैं खुद से अगर लिक्विडेट कर दूंगी तो मुझे इतना देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली मुझे तो यही बेटर लगेगा लेकिन आगे की सिचुएशन भी तो देखें अब टैक्स सेविंग क्या रहती है थर्टी परसेंट का वही मेरा टैक्स ब्रैकेट है प्रिंसिपल अमाउंट मैंने सिक्सटी फाइव लैख का लिया था अब मेरा ये दोनों सेम ही रहेगा मतलब मेरा एटी सी के अंडर डिडक्शन बिकॉज मेरा डेढ़ लाख रुपए मुझे मिलते हैं एवरी ईयर और ट्वेंटी इयर्स तक मिलेंगे तो थर्टी परसेंट का टैक्स बेनिफिट रहेगा नौ लाख वो हो गया और सेम वे में, में मेरा इंटरेस्ट बेनिफिट है अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो दो लाख रुपए का इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा ट्वेंटी इयर्स के लिए थर्टी परसेंट पे तो फिर बारह लाख वो हो गया तो बारह और नौ इक्कीस लाख रुपए का मेरे को टैक्स बेनिफिट हो गया यहाँ पे ठीक है तो इसमें मुझे, मुझे मोटा मोटी कोई चेंज नहीं है बिकॉज जो अमाउंट है वो इतनी बड़ी है कि यू नो दो लाख हर साल का तो प्रिंसिपल जाना ही है और आइडियली इंटरेस्ट भी जाएगा ही अब इस सिचुएशन में क्या है कि मेरी सेविंग सारी खत्म हो चुकी है मेरे पास कोई सेविंग नहीं है तो मेरा म्यूचुअल में कोई कॉर्पस नहीं क्रिएट हो रहा है अब नेट नेट मेरा क्या पोजीशन रहता है आज से 20 साल बाद 1.3 करोड़ मुझे बैंक को देना है माइनस मेरी इतनी टैक्स सेविंग हुई है जो कि 21 लाख ,00 की है तो मेरा नेट एक्सपेंडिचर हो जाता है 1.09 करोड़ एक तरफ आप ऑप्शन वन देखिए जहां पे आपको पांच लाख का फायदा है गाइस और एक तरफ आपका सिर्फ नेट आउटफ्लो है 1.09 करोड़ का गाइस इसमें अब मुझे तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है घर तो ऑब्वियसली दोनों केस में आपके पास हो ही गया बट उसके अलावा आपकी क्या स्थिति रह रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे तो प्लीज आप नेक्स्ट टाइम जब भी इवेल्युएट करें तो सिर्फ ये मत देखो कि बैंक को कितना देना है आपकी आगे की सिचुएशन जो रहने वाली है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा एंड फिर ही डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है आई मीन सीरियसली मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे मार खा जाते हैं एंड वो ऑप्शन टू ही सिलेक्ट करते हैं बट प्लीज आप अपने डिसीजन वाइजली लीजिए ठीक है सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम माई साइड आई होप ये वीडियो आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करे नेक्स्ट टाइम अगर आपको इस वीडियो की कॉन्टेंट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे थम्स अप ज़रूर दें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे होम स्टे सेफ बाय